हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो मेरी लाइव क्लासरूम में से सिलेक्टेड इलस्ट्रेशन है। ये सेट ऑफ वीडियोस आर डिजाइंड सो दैट आपको जेई और नीट की प्रिपरेशन के लिए नेविगेशन मिलता रहे। x इज इक्वल टू 10t माइनस 2t स्क्वायर। आपको डिस्प्लेसमेंट एट 0, डिस्प्लेसमेंट एट 5/2 सेकंड और डिस्प्लेसमेंट एट 5 सेकंड निकालना है, ठीक है। velocity at 0, velocity at 5/2 and velocity at 5. acceleration at 0, acceleration at 5/2 or acceleration at 5. उसके बाद आपको ये भी करना है, comment on the motion. नोट डाउन करो। मूविंग टू चैट विंडो। ओके निहल, विच क्वेश्चन टू हैव कैलकुलस? जब जब आपको एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया है, कोई फंक्शन दिया है डिस्प्लेसमेंट का और आपको एक्सेलरेशन वेलोसिटी पूछा है, तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, कैलकुलस यूज करना पड़ेगा। जब जब आपको एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम या एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है और आपको वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट पूछा है, यानी कि कोई भी एक क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर किसी का फंक्शन दिया है, तो आप समझ जाइए इसमें या तो डिफरेंशिएशन लगेगा या इंटीग्रेशन लगेगा। हाँ, अभी सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है, इंटीग्रेशन थोड़ी देर बात करेंगे। Displacement at 0 is 0. Displacement at 5/2 is 10 into 5/2 minus 2 into 5/2 का स्क्वायर। कितना आ गया ये? 25 minus 25/2. आंसर इज 25/2. Displacement at 5 निकालते हैं तो 10 into 5 50 माइनस 25 2 50। अरे गुणवंत सर, आप तो हमेशा जीरो जीरो वाले दे ही देते हो। अरे मैं आपको, मुझे पता है ये इन दो पे जीरो होगा, इसलिए आपको ये टाइम दिया है, अगली बार आपसे निकलवाऊंगा, ठीक है, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। क्या सर इतने सारे क्वेश्चन, वैसे ही पता नहीं चल रहा है क्या चल रहा है, है? चलो वेलोसिटी की चर्चा करते हैं। वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्या मैं सीधे डिफरेंशिएट कर दूं उसको 10 - 40? हाँ कि ना, आया समझ में? सीधे डिफरेंशिएट कर दो। चलो वेलोसिटी एट 0 इज 10 प्लस का, वेलोसिटी एट 5/2, जैसे मैंने इसको 5/2 डाला तो 5 4 20/2 10, 0। वाह, वेलोसिटी एट 5 देखो माइनस 10 आ गया। देखो बिल्कुल सेम टू सेम पैटर्न बन रहा है जो भी पिछला क्वेश्चन किया था हमने। चलो एक्सेलरेशन की चर्चा करते हैं। ऐसे सीधे इसको डिफरेंशिएट कर दे क्या? -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
और यह है कांस्टेंट। अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, तो जब जब ध्यान देना, जब जब डिस्प्लेसमेंट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पीछे में भी देखते हैं, जब जब डिस्प्लेसमेंट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तब तब एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ रहा है। इधर भी देख लो, तब तब एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ रहा है। तो ये तो एक नोट बना के हम तुरंत लिख देते हैं, नोट व्हेनेवर देयर इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ टाइम फॉर डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, ठीक है, इट विल बी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वेयर द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन विल बी 2a। डिफरेंशिएट करके देख लो उसको, डबल डिफरेंशिएट करके इसको, जैसे आप डबल डिफरेंशिएट करोगे आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा 2a। चलो बहुत बढ़िया जी, अब आगे बढ़ते हैं, इसका एनालिसिस बताते हैं। एट t इक्वल टू जीरो डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, वेलोसिटी इज कितना, वेलोसिटी प्लस 10 and acceleration is minus 4. Again, velocity and acceleration opposite directions. तो ये क्या है? Retardation motion. अगर retardation motion है तो ध्यान रखो, initially वो कहाँ पे था? Origin पे. ध्यान दीजिए, initially कहाँ था? Origin पे. With a velocity of 10 meter per second, but an acceleration of उल्टा 4 meter per second square. तो ये गाड़ी पलटी मारेगी, तो चलो पलटी मारने वाला पोजीशन निकालते हैं। इस पॉइंट पे वेलोसिटी इक्वल टू जीरो, बताओ वेलोसिटी जीरो कहां पे हो रही है? 5/2 सेकंड, यानी 5/2 सेकंड पे वेलोसिटी जीरो हो रही है। तो जाने का 5/2 सेकंड, तो आने का भी 5/2 सेकंड, यानी 5/2 + 5/2 5 सेकंड बाद ये दोबारा अपने इस पॉइंट को क्रॉस करेगी। ये आया बाय सिमेट्री, आई कैन से दैट आफ्टर 5 सेकंड द पार्टिकल क्रॉस द ओरिजिन। कैन आई से ओरिजिन की बजाय मैं ये भी लिख सकता हूं इनिशियल पोजीशन, क्योंकि इनिशियली ओरिजिन पे था ना। So students, the illustration was helpful, right? Press the subscribe button and the bell icon so that हम जब जब video upload करें आपको तुरंत notification मिले and you keep testing your concepts so that you are on the right track. Thank you so much.